हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3/5 × 3 × 3/5 − 6 = 3/5 × 2x − 1 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में क्या होता है, अगर आधार सेम हो गुणा में हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। और इक्वल में बराबर दे रखे है, आधार सेम है तो इक्वल की पावर और इस राइट हैंड साइड की पावर और लेफ्ट हैंड साइड की पावर बराबर होगी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 पावर जुड़ेगी प्लस में माइनस के 6, इधर क्या दे रखा है 2x − 1 दे रखा है। इसका क्या आया, इसका है माइनस का 3 इक्वल में 2x − 1, ये माइनस का 1 इधर आगे क्या होगा प्लस का होगा, −3 + 1 इक्वल में 2x रह गया। ये −3 + 1 क्या हो जाएगा माइनस का 2, इधर क्या है 2x, ये इस साइड में आके क्या होगा डिवाइड होगा, x − 2 ये इस साइड में आके डिवाइड हो गया, एक हमारे पास क्या है माइनस का एक आया, x की वैल्यू पूछ रखी है, x की वैल्यू -1 आया, यही हमारा आंसर।